हाय गाइस, ये है मेरा रेडमी 4। तो इसमें कल ही मैं ग्लोबल बीटा रोम जो है अपडेट किया हूँ। तो अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, ये यहाँ से स्टेटस बार में जाने के बाद ये देखिए, ये है, ये लिखा MIUI 10 ग्लोबल बीटा 8.7.11 बीटा। तो आज इसमें बताऊंगा इसमें जो इसके हैं मेन हाईलाइट फीचर्स इसके क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेन सबसे हाईलाइट फीचर्स है वो है इसका रिसेंट ऐप बार। सो इधर से हम लोग रिसेंट ऐप पे जाते हैं तो ये, तो यही इसका सबसे हाईलाइट फीचर है इसमें कि अगर तो आप इस पर खोलेंगे तो ये झट से इसको खुल जाएगा। अगर इसको आप इस पर टैप करेंगे तो ये वो है, सो स्लेट स्क्रीन। तो आप इसमें दो ऐप इसमें चला सकते हैं। तो एक इसका ये हो गया। अब जो दूसरा इसका सबसे हाईलाइट फीचर्स है वो है इसका स्टेटस बार जो आपको MIUI 10 में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये और इसकी यहाँ से जो ब्राइटनेस है ये आप इसको यहाँ से अप डाउन इंक्रीज या डिक्रीज भी इसमें कर सकते हैं जितनी चाहे। और फिर जो इसका तीसरा जो सबसे हाईलाइट फीचर्स है वो है इसका वॉल्यूम अप डाउन। जैसे कि यहाँ से ये साइड में है, इसको यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत ये iPhone X के टाइप का है, थोड़ा सा ये, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ऐसे आप इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, एक बार प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से अप डाउन ऐसे कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं चौथे की। जो चौथा इसका है जो उसमें जो खास मेजर चेंज करा गया तो वो है ये इसका डायलर। डायलर में आप देखेंगे जो पूरा थोड़ा बहुत जो है वो एंड्रॉयड ओरियो स्टॉक एंड्रॉयड के टाइप का ही कुछ दिख रहा है। ऐसा ये अगर आपसे करेंगे तो इधर वो आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसके ऊपर। जो है इसका साउंड जो पहले साउंड आता था वो इसको साउंड को चेंज कर दिए हैं। ये जैसे कि अभी मैं लॉक लगाऊंगा या थोड़ा सा इसको वो कर दिया है, तो इसका साउंड चेंजिंग भी ये लोग कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं छठे की। तो छठा जो इसका हाईलाइट है वो है ये, आप इसको इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पर जो है इसका एकदम चेंज हो गया है। आप देखेंगे इसमें ये जो असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट वो भी इन लोगों ने इसमें इसको सेट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टिकट जो इंडियन टिकट रेलवे टिकट है उसको भी PNR यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें नीचे लिखा भी है पावर्ड बाई XeGO, तो उसको कर सकते हैं। और ये नीचे वो तो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो जो उसका सातवां जो उसका फीचर्स है वो है कि अगर आप इसको स्वाइप अप करेंगे यहाँ से तो इसका ये गूगल सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ से ऐसे देखिए, ये आपने यहाँ से इसको आप ऊपर करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो अभी आप यहाँ से सर्च करके इसका कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं फॉर अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो। तो इसका एक जो फीचर्स मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि सिक्योरिटी जो इसका वो है ऐप है, जो आप जब उसको पहले खोलते थे तो अजीब तरीके का था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा उसको इन लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, अच्छा देखने में लग रहा है। जैसे कि उसको आप खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसको स्कैनिंग करने लगता है। तो देखिए स्कैनिंग आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये इसमें करने लगता है, पहले अजीब दूसरा आता था, लेकिन अब इन्होंने इसको जो है बदल के चेंज कर दिया है। अब जब आप इसे बैक करेंगे तो यहाँ ये क्लीनर इसका है। और फिर इसके बाद इन्होंने एक चीज इसमें और ऐड की है, आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे ये टेस्ट नेटवर्क। अगर आपके पास जियो है तो आप अपने जियो का नेट स्पीड इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें मैं अभी क्लिक करूंगा तो ये आ गया टेस्ट नेटवर्क लिखा है, तो ये जो है इसका टेस्ट नेटवर्क कर देगा जो भी आपका सर्वर हो या फिर जियो हो या फिर डाटा हो। तो अभी इसमें दिखा रहा इंटरनेट कनेक्शन इज नॉर्मली। और जो दूसरा है अभी मैं बताना भूल गया, ये अगर आपके पास SMS आता है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे जो भी, तो वो यहाँ सारा शो हो जाएगा इधर ये जो अभी इस पर देख रहे हैं काइन मास्टर प्राइम है, तो वो सारे के सारे यहीं आ जाएंगे। तो बस इसमें इतना ही, थैंक यू।